बार क्या करते हैं हम लोग, गाना चूज करना है हम लोग को, तो इस पार पकड़ के इस पार गाना चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है गाइस, इफेक्ट लगाने वाला वही तरीका है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है गोलू और आप देख रहे हैं डिजिटल साउंड एंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो पर। तो आज हम बताने वाले हैं वर्चुअल डीजे में आप गाना किस प्रकार, तो गाना बजाने के लिए आपको, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और उसमें वर्चुअल डीजे होना चाहिए। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि वर्चुअल डीजे में गाना चेंज कैसे करते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है लेकिन उसमें शायद किसी बहुत जन को समझ नहीं आया है, तो कमेंट आया था कि भाई गाना मतलब कि कैसे चेंज करते हैं वो बताइए, और ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा था बहुत जन का इफेक्ट लगाने से। तो वो सब आज बताने वाले हैं पूरा चीज़ इस वीडियो में। तीन तरीका बताऊंगा आज आपको कि तीन तरीके से वर्चुअल डीजे में गाना चेंज कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं गाना। तीन तरीका बताऊंगा गाइस, जहाँ तक मेरे को पता है तीन तरीका, तो मैं उतना को बताऊंगा आपको। और पीछे देख सकते हो लैपटॉप, चलो इसके। तो गाइस बहुत लोग बोल रहे थे कि सॉफ्टवेयर का लिंक दो भाई, लिंक डाउनलोड कैसे करते हैं, तो उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि वर्चुअल डीजे किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं वो सब, तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। डाउनलोड नहीं हो रहा होगा तो या फिर आपको मीडिया फायर में लिंक दे देंगे उसका ऐप का, जिप फाइल बना के, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड ईजी कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऐप्स में। तो आज के वीडियो में तो वो नहीं है, आज के वीडियो में बस बताऊंगा कि ऑपरेटिंग कैसे करते हैं वो सब। स्क्रीन पर चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से वर्चुअल डीजे में सॉन्ग प्ले करते हैं और ऑपरेटिंग कैसे करते हैं वो सब के बारे में बताने वाला। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डिजिटल रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। और अच्छा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके एक प्यार से कमेंट जरूर कर। तो चलो दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर कि गाना किस तरह से बजाते हैं वर्चुअल डीजे में। तीन प्रकार बताऊंगा आपको, तीन टाइप से बजाना कैसे, गाना चेंज कैसे करते हैं, और बहुत लोगों का प्रॉब्लम था उसको भी सोल्यूशन कर देने वाले हैं। चलिए आगे आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहला तरीका है आपको वर्चुअल डीजे ओपन करना है। सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में जहाँ वर्चुअल डीजे है उसको ओपन करना है सबसे पहले। तो देख सकते हैं हम लोग का वर्चुअल डीजे भी ओपन हो रहा है। और वर्चुअल डीजे ओपन होने के बाद सबसे पहला तरीका है डीजे बजाने के लिए, उसको सबसे पहले आपको इसको बड़ा कर लेना है वर्चुअल डीजे को। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से वर्चुअल डीजे होता है, इसमें लेफ्ट राइट दोनों पार ये डेक होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए गाना चूज़ करना है। तो गाना चूज़ कहाँ से करते हैं, यहाँ से गाना चूज़ करते हैं। आपके जहाँ फाइल होगा वहाँ से आप यहाँ से गाना चूज़ कर सकते हैं। तो मैं गाना चूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बताता हूँ कि इसमें और इसमें ऐड कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा गाना यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सॉन्ग। तो सबसे पहला तरीका बताने वाला हूँ आपको कि किस प्रकार से गाना चूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे देख सकते हैं ये गाना है, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद पकड़ना है इसको और यहाँ पे जाके इसको छोड़ देना है ऐसे। तो इस प्रकार से गाना लोड हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पार हमने लोड कर लिया गाना। और इसको इधर कर लेना है, देखो ये जो बीच में है इसको इधर कर लेना है। और उसके बाद क्या क्या करना है हम लोग को, इस पार का गाना चालू करना है तो सिंपली प्ले कर देंगे तो गाना चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं चालू हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से गाना चालू हो गया। अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा गाना, हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा। और उसके बाद इस पार चेंज करना है गाना, तो एक नॉर्मल तरीका होता है जो फर्स्ट तरीका बता रहा है, वो नॉर्मल तरीका है जो गाना चेंज करने का। तो देख सकते हैं इस पर क्या करना है, इसको प्ले कर देना है सिंपली, और आपको गाना को थोड़ा सा बढ़ा के ही चलाना है हमेशा। तो उसके बाद क्या करना है, इसको पकड़ना है ऐसे और इसको चेंज कर देना है ऐसे। तो इस प्रकार से गाना चेंज हो जाता है। तो एक तरीका ये होता है गाइस गाना चेंज करने का, और आपको इधर फिर से सेलेक्ट कर लेना है दूसरा, और यहाँ से आपको यहाँ से थोड़ा सा गाना बढ़ा लेना है, उसके बाद इसको प्ले कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको इसको इस पार कर देना है। ये होता है नॉर्मल गाइस, जिसमें कि नॉर्मल जो गाना चेंज करते हैं अधिकतर लोग वो होता है नॉर्मल, जो मतलब कि वर्चुअल डीजे जो चलाते हैं ऑपरेटिंग करते हैं वो नॉर्मल तरीका है ऑपरेटिंग करने का। और जो अभी न्यू आया है उसके बारे में बता देता हूँ गाइस कैसे करते हैं। चलिए आगे बताता हूँ, दूसरा और तीसरा सेम टू सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अलग फर्क है। तो चलिए दूसरा को बताता हूँ डीजे, दूसरा तरीका ऑपरेटिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको वर्चुअल डीजे ओपन कर लेना है जिस तरह से, उसके बाद गाना चूज़ कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ से गाना चूज़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये है दूसरा तरीका हम लोग का डीजे ऑपरेटिंग करने का, जिसमें कि हम लोग कैसे ऑपरेटिंग करते हैं उसमें, ये जो ये बीच में जो दिख रहा है गाइस ये बीच में होता है, देख सकते हैं ये वाला जो बीच में होता है ये बीच में ही रहता है। और कैसे ऑपरेटिंग करते हैं वो बताता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, जिस पार का आपको सॉन्ग चलाना है, जिस सॉन्ग को, तो इस पार को प्ले कर देना है। देख सकते हैं इस प्रकार से सॉन्ग प्ले करना है, थोड़ा साउंड कम करता हूँ। तो वो जिस प्रकार से साउंड जो है वो उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस पार क्या करते हैं हम लोग गाना चूज़ करना है हम लोग को। तो इस पार पकड़ के इस पार गाना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है गाइस, इफेक्ट लगाने वाला वही तरीका है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको स्पिन करना है और स्पिन बैक स्पिन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से स्पेस दबा देना है, जिससे कि इस पार का सॉन्ग प्ले हो जाएगा, इस पार का ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो ये होता है दूसरा तरीका डीजे ऑपरेटिंग करने का सही तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है गाइस। और तीसरा तरीका भी आगे बताऊंगा, बने रहेगा वीडियो पर एंड तक। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और बहुत लोग का जो हो रहा था कि आपका सॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिक
प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है। बहुत लोग का बोल रहे थे कि सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा था, तो सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले क्यों नहीं होता है गाइस, आपका ये बीच में होना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको गाइस सबसे ज़रूरी मेन बात है यहाँ पे, आपको गाना चूज़ करना पड़ेगा। अगर गाना चूज़ नहीं करोगे और यहाँ से कर दोगे तो आपका सॉन्ग प्ले नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं गाना रुक गया गाइस, आपका सॉन्ग प्ले नहीं होगा जब तक इस बार आप एक न्यू सॉन्ग, मतलब कि जब तक इस बार आप न्यू सॉन्ग नहीं प्ले चूज़ कर लेते तब तक आपका गाइस गाना चेंज नहीं होगा। तो देख सकते हैं मैं गाना चूज़ करूँगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से प्ले कर लेते हैं, और जिस पार का जो ये घूम रहा है गाइस, इसी पार से आपका बैक स्पिन दबाएगा दबाइएगा तभी आपका गाना प्ले होगा। अगर आप इस पार का गाना कर रहे हैं और इस पार का स्पिन बैक स्पिन यूज़ कर रहे हैं तो आपका गाना प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है सॉन्ग चेंज। आपको बैक स्पिन क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ से बैक स्पिन, उसके बाद स्पेस वाला बटन को क्लिक कर देना है, तो इस पार गाना चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गाना चला जाता है। ये हो गया गाइस दूसरा तरीका, इजी तरीका। और तीसरा बताता हूँ, तीसरा मिला जुला है इससे, तो तीसरा गाना जो ऑपरेटिंग करते हैं उसका तीसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो तीसरा तरीका है गाइस, आपको सबसे पहले वर्चुअल डीजे को छोटा कर लेना है। तो छोटा करने का तरीका बता देता हूँ मैं, यहाँ से आपको जाना है और ये जो देख रहे हैं ये वाला जो कर्सल दिख रहा है ना, ये वाला बीच में, तो इसी को आपको क्लिक कर देना है, तो इसे मैक्सिमाइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो छोटा होता है और इसको एक साइड कर दीजिएगा आप। उसके बाद आपको इधर से साइड से गाइस मल्टी फाइल खोल लेना है आपको, जिस जिसमें आपका सॉन्ग है उसको खोल लेना है आपको। जहाँ जहाँ सॉन्ग है आपका वहाँ वहाँ खोल लेते हैं, और मेरा सॉन्ग यहाँ पे है तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सॉन्ग खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, तीसरा तरीका है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है गाइस, इस प्रकार से छोटा कर लेना है। जितना ज़रूरत हो आप दो तीन ठो और फाइल खोल सकते हैं, जितना खोलना हो उतना। अगर आपके ये डायरेक्ट बड़ा खुलता है तो आपको इसको यहाँ से छोटा कर देना है, जिससे कि आपका छोटा खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले जाके छोड़ देना है। यहाँ से आपको सॉन्ग पकड़ना है, देख सकते हैं यहाँ से सॉन्ग पकड़ना है और इधर छोड़ देना है लाके, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सॉन्ग चेंज करते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ से डायरेक्ट पटक देना है यहाँ लाके सॉन्ग को, इधर से यहाँ से आप पकड़िएगा, यहाँ से बिना हटाए इसको, उंगली को देख सकते हैं, इसको बिना हटाए यहाँ से क्लिक किए और इसको बिना हटाए यहाँ पे लाके रख देना है। उसके बाद आपका सॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और इस प्रकार से आपको यहाँ से गाना चालू कर लेना है। और इस पर गाना चेंज करने के लिए सिंपली आपको वैसे ही करना है, ऐसे आपको कर लेना है, इस पर जाके आपको बैक स्पिन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्ले जो स्पेस वाला बटन है इसको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको कर देना है, जिससे कि हम आपका गाना चेंज हो जाएगा और आप इजी तरीके से डीजे ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो आप फास्ट कीजिएगा गाइस, आपका जहाँ जहाँ गाना होगा वहाँ वहाँ गाना आप करके जल्दी सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, जल्दी गाना। इससे में क्या होता है इसमें कि फाइल आपको जहाँ जहाँ गाना होता है वहाँ फाइल ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है, एक बार फाइल खोल लिए उसके बाद यहाँ लाके लगाते रहे। और गाना चेंज करने का नियम यही है, इस पर क्लिक करना है और स्पेस दबा देना है, जिससे कि आपका गाना चेंज हो जाएगा। उस पर देख सकते हैं वो अलग गाना चेंज हो गया, शुरू कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइस बहुत जल्द ही आएगा, और कुछ देर में वीडियो आता है गाइस, क्योंकि काम रहता है तो वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि गाइस हफ्ते में दो या तीन वीडियो आ जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या समझ नहीं आया। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर गाइस, तब तक ले बाय बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।